अभी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हुए थे, वो अलग बात है कि अब वो वापस चल गए हैं, पर उन्होंने भारत के बारे में कुछ ऐसा बोला जो कि हम सबको जानना चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा बात उन्होंने बोला कि इंडिया को हम लोग आज एक ग्रेट पावर और एक अच्छे दोस्त, यानी जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसा दोस्त के तौर पे हम लोग देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारे बात बोली है, वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। फिलहाल तो आप ये जानिए कि इन दोनों का जो मीटिंग हुआ था वो हैदराबाद हाउस में हुआ था, पर ये हैदराबाद हाउस हैदराबाद में ना होके न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा ये जो मीटिंग था इसमें केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मीटिंग नहीं था, ये 2021 में हुआ 2+2 डायलॉग था, जो कि वहां रसिया के वित्त कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से बैठ के बात कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है 2+2 मीटिंग, प्लस प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं कि 2+2 एनुअल समिट हो रहा है रसिया और इंडिया के बीच में। और इसमें ये कहा गया है, पीएम मोदी ने बोला कि ये जो 2+2 डायलॉग है ये एक नया मैकेनिज्म है जो इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप को बूस्ट करता है किसी ना किसी तरीका से। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बोला है कि इंडिया और रसिया अभी के टाइम पे बहुत सारे फील्ड में कोऑपरेट कर रहा है, जिसमें एक फील्ड तो मेक इन इंडिया का ही आ जाता है, दूसरा स्पेस आ जाता है, और तीसरा सिविल डोमेन। यहाँ पे सिविल डोमेन तो ठीक है, पर इसमें एक और डोमेन होना चाहिए था जो कि मुझे लगता है मिलिट्री अलायंस। ठीक, अब इसके अलावा आगे देखिए कि पुतिन ने क्या क्या बोला। पुतिन ने बोला है कि हम लोग ये जो समिट है इसको हर साल करते थे, पर पिछला साल हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोविड क्राइसिस आ गया था। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मिलिट्री स्पेयर लाइक नो अदर कंट्री, मतलब हम लोग एक तरह से इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं मिलिट्री में जिस तरह से शायद ही कोई कंट्री कभी कोऑर्डिनेट किया होगा या करता है। हम लोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे के टेरिटरी में, और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग के देश में, ना जनता को दिक्कत होता ना सरकार को दिक्कत होता, क्योंकि हम लोग एक दोस्त है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया को एज ए ग्रेट पावर और ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह देखते हैं, जो कि सबसे बड़ा बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो 2020 का समय था उस वक्त ट्रेड डिक्लाइन हुआ, मतलब ट्रेड हम दोनों के बीच में बहुत कम हो गया था, पर इस साल ट्रेड हम लोग का 38% से बढ़ा है कंपेयर टू नॉर्मल ईयर, यानी 2019-18 में जितना ट्रेड होता था उसके मुकाबले 38% ट्रेड बढ़ा है इंडिया और रसिया के बीच में। इसके अलावा ये रसिया ने ये भी बोला कि हम लोग और भी बहुत सारी चीज में कॉपरेट करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मैटर से एनर्जी, स्पेस और हाईटेक सेक्टर, जो कि सही भी है। अब आप ये भी जानिए कि इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग जो पार्टिकुलरली अफगानिस्तान का सिचुएशन है उसको लेके भी चिंतित है, और शायद हम लोग इंडिया के साथ बैठ के ये डिस्कशन भी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में क्या करना है। पर सवाल उठता है कि रसिया अफगानिस्तान से इतना दिक्कत में क्यों है, मतलब उसको क्या दिक्कत है अफगानिस्तान से। देखिए, दिक्कत कुछ खास नहीं है, मेन सबसे बड़ा बात है कि जो रसिया है वहां पे आतंकवाद से लड़ने के लिए उन लोग को कभी ट्रेनिंग नहीं मिला है सेना को, और जो पाकिस्तान है यहाँ से आतंकवाद उभरा, अफगानिस्तान में गया, ईरान में गया, इराक में गया, सीरिया में गया, तुर्कमेनिस्तान में गया, फिर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सब में गया था। आप इस सबको मैप में देखेंगे तो पता चलेगा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये तीनों का बॉर्डर रसिया से सटता है और ये तीनों के अंदर आतंकवाद होता है, लेकिन आतंकवाद को रोक के रखता है यहाँ पे रसिया। रसिया धमका के रखा है इन चारों कंट्रीज को कि खबरदार, अगर तुमने किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को फंड किया, अगर किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, जिस कारण ये जो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ये लोग डर के रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी रसिया, चाइना और इंडिया को टेंशन लेने वाला बात है, क्योंकि जबकि अफगानिस्तान में अब सिचुएशन खत्म हो गया है, बहुत खराब हो गया है, तो रसिया का जान रहा है कि इन लोग को धमकाने से कुछ नहीं होगा, अफगानिस्तान वाला ही कर देगा कुछ ना कुछ, कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाने लग जाएगा, यहीं पे आतंकवाद घुसाने लग जाएगा। जब इंडिया जैसा सिक्योर कंट्री में आतंकवादी घुस जाता है तो तुर्कमेनिस्तान क्या है, यहाँ पे तो कोई भी घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉर्डर में कोई भी सैनिक पहरा नहीं देता है, बॉर्डर बिल्कुल खुला रहता है, कोई भी घुस सकता है, इधर से उधर बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकता है, और यहीं पर दिक्कत हो जाता है। और इसी कारण रसिया को डर है कि कहीं यहाँ आतंकवाद हुआ तो फिर रसिया में आतंकवाद घुसेगा, जो कि रसिया के लिए एक टेंशन है, इंडिया के लिए भी है। इसलिए रसिया इतना ज्यादा टेंशन में है कि टेररिज्म को वो स्टॉप करना चाहता है अफगानिस्तान में, ताकि वो अपने आप को बचा सके, बस यही इसका कारण है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे अगर इस पगला बूढ़ा को, चाइना को, तो
तो इसका अभी से कोई मतलब नहीं, इसको केवल प्रॉफिट चाहिए, इसलिए अफगानिस्तान में इतना कह सकते हैं कि इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसको प्रॉफिट का अभी भूख लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।